उम्मीद है कि आप खैरी आफियत से होंगे बेटा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टाइम के मुताबिक अपना काम करना है आपने, क्योंकि वही बच्चे कामयाब होते हैं जो वक्त पर काम करते हैं। जी, आज डे फोर का वर्क है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके मुताबिक आंसर देने हैं। जैसे टी से स्टार्ट होने वाले तमाम स्टूडेंट्स के नेम राइट करने हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन है इवन नंबर 70 से 90 तक। आपने पहले 70 से 90 तक काउंटिंग लिखनी है और उसमें से जितने भी इवन नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होने वाले हैं वो सब आपने यहाँ पे राइट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स इज़ द नेम ऑफ फ्रूट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट पी। पी से स्टार्ट होने वाले जितने भी फ्रूट्स नेम हैं आपने लिखने हैं, जैसे पियर, पाइनएप्पल, ठीक है। डी वाला एक्स क्या है, सिक्स द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी वॉवल्स हैं वो लिखने हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। आपने राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन करनी है, आपकी राइटिंग के मार्क्स ज़रूर कटेंगे। अगर नीट की होगी तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। एक्स या एक्स इज़ द नेम ऑफ एनिमल्स लिव इन दी फॉरेस्ट। ये छोटी सी मिस्टेक, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। लिव इन दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी हैं एनिमल्स उनके नेम लिखने हैं। जैसे बियर है, टाइगर है, लाइन है, जिराफ है, एलिफेंट है, ऑलमोस्ट 5 एनिमल्स के नेम होने चाहिए। आगे एफ एक्स या एक्स इज़ द सिटीज़ पाकिस्तान दैट स्टार्ट विद बिगेन विद एम। एम से स्टार्ट होने वाले सिटीज़ के नेम लिखने हैं, मानसहरा, मियांवाली, मुल्तान वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।